बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आज की जो टॉपिक है वो है डिग्री या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ठीक ना, इसमें हम लोग कार्बन के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कि टॉपिक जो हमारी है वो डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ये डिग्री या क्लासिफिकेशन अलग अलग बात है, तो इसको समझते हैं कैसे है। मतलब एक ही तरीके से है लेकिन थोड़ा अलग टाइप में। प्राइमरी कार्बन, पहले कार्बन को क्लासिफाई किया प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, टर्चरी, क्वार्टरनरी। ठीक ना, चार प्रकार के कार्बन के बारे में बताया। अगर इन्हीं को डिग्री के फॉर्म में देखा जाए तो पहले वाले को ही कहते हैं 1 डिग्री, दूसरे वाले को 2 डिग्री, तीसरे वाले को 3 डिग्री कार्बन और चौथे वाले को 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात? इतनी बातें हिंदी में देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। ठीक, ये चार तरीके के का डिग्री ऑफ कार्बन होती है। तो इसमें समझते हैं कि करके कि ये डिग्रीज क्या है। ठीक ना, तो 1 डिग्री पहले हम लोग समझते हैं। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ठीक ना, ऐसा कार्बन जिससे केवल एक कार्बन सीधे जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक, अगर 2 डिग्री की बात करें तो ऐसा कार्बन जिससे केवल 2 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं। ठीक, समझिएगा बात। 3 डिग्री की बात करें तो ऐसा कार्बन जिससे केवल 3 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं, 3 डिग्री कहलाता है। और इसी तरीके से 4 डिग्री कार्बन भी ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़े हों, 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। क्लियर है बात? ठीक, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कार्बन जिससे केवल 1 कार्बन जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जिससे केवल 2 कार्बन जुड़ा, यानी कार्बन से ही रिलेटेड कर रहा है। अब कार्बन, 1 कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, ठीक ना, इसको देख लीजिए। तो एग्जांपल और 1-2 करके उसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक ना, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा एग्जांपल से। चलिए देख लीजिए, तो मैं रब करता हूँ। तो ऐसा कार्बन जिससे केवल 1 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। ठीक ना, चलिए एग्जांपल देखते हैं, कुछ समझिए। एग्जांपल लेते हैं हम, ये 2 कार्बन की चेन है, ठीक ना, और उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है, नॉर्मली भाषा में इथेन कहलाएगा ये। ठीक ना, तो देखिए यहां पे समझिएगा पहले, ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, ऐसा कार्बन जिससे केवल 1 कार्बन जुड़ा हो, सीधे अटैच हो, 1 कार्बन जुड़ा हो, दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ठीक, समझ में आ गई बात? और यही बात इस पे भी लागू होती है, ऐसा कार्बन जिससे केवल 1 कार्बन जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, मीथेन। देखिए ये तो किसी कार्बन से अटैच नहीं है, एक अकेला कार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो उस परिस्थिति में भी इसकी डिग्री होती है 1 डिग्री। इस परिस्थिति में भी क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन होगा, लेकिन इसका नाम जो होता है वो होता है सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या हो जाएगा, सुपर प्राइमरी कार्बन इसका नाम पड़ जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री क्या रहेगी, 1, जब 1 कार्बन हो और चारों तरफ हाइड्रोजन हो। क्लियर है बात? ठीक, चलिए और समझते हैं। नॉर्मल है यहाँ हाइड्रोजन, आप लोग समझ सकते हैं। चलो एक और बढ़ा लेता हूँ, देखिए ये 5 कार्बन की एक चेन है, पेंटेन नॉर्मली नाम होगा इसका। देखिए ये क्योंकि एज पर है
और इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा, तो इसकी डिग्री एक होगी। ये भी एज पर है इसकी, ये भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि जो एज पे कार्बन है, दोनों छोरों पर कार्बन है, उनकी डिग्रीज क्या होगी, 1-1 होगी, ठीक ना। तो अब देखिए इसकी बात कर लें, इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक ये है लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। सेम इसके साथ भी, लेफ्ट पर 1, राइट पर 1, तो 2, दो कार्बन जुड़े हैं, ठीक ना। ऐसा कार्बन जिससे केवल दो कार्बन जुड़े हो, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। इसी तरह इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक ना। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ठीक, चलिए मैंने इस बार हाइड्रोजन को ऐसे लिखा है, ठीक ना, एक्सपैंड नहीं किया। चलिए देखिए, इसकी डिग्री एज पर है 1 डिग्री, ये भी एज पर है 1 डिग्री बताया है, ये दो से जुड़ा है, एक लेफ्ट एक राइट, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब इस वाले को ध्यान से देखिए, लेफ्ट राइट और एक ऊपर की तरफ, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री, और एक छोर यानी एज का है ये, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात, इज दैट क्लियर, अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है आप देख रहे हैं, और चलो इसको एक और ऐसे कर लेते हैं, चलिए अब अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा। चलिए एज पर तो 1 डिग्री, एज पर 1 डिग्री, एज पर 1 डिग्री, अब एज भी कहा जाएगा 1 डिग्री, ठीक ना। तो अब ये सेंटर वाले कार्बन को देखिए कितने से घिरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4, इसकी हो गई 2 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में आ गई, बहुत सिंपल से तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं, डिग्रीज लगा रहे हैं। चलिए एक थोड़ा लंबा एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें और चीज़ों को समझते हैं। चलिए यहाँ पर मैं जो है कार्बन आपको हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, देखिए एक्सपैंड करता हूँ। चलिए चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखिए एज पर है इसकी डिग्री 1, एज पर है इसकी डिग्री 1, ये भी एच पर है इसकी डिग्री 1, ये भी एच पर है इसकी डिग्री 1, ये भी एच पर है इसकी डिग्री 1, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये वाला देखिए 1, 2, 3, 4, इसकी डिग्री 4 हो गई। क्लियर, इस वाले कार्बन देखिए 1, 2, 3, इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, इसकी डिग्री कितनी है, 1, 2, तो डिग्री कितनी होगी, 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस कार्बन अटैच होने से मतलब है, कार्बन अटैच होने से मतलब है, उसके बॉन्ड से मतलब नहीं है हमें, चाहे 2 बॉन्ड लगाओ या 3 बॉन्ड लगाओ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई, ठीक। चलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, लिख दिया है 1, इसकी डिग्री लिख लेते हैं, एक ऊपर हाइड्रोजन रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1, 2, 2 डिग्री हो गई, इसकी भी इसकी 1 लिखी दी गई है। क्लियर है बात, ऐसे डिग्री हम लोग लगाते हैं, डिग्री पहचानते हैं। और एक चीज़ आ जाती है बच्चों, पूछ लेता है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री, इस तरीके से नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन। तो सबको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 1 डिग्री है हमारे पास, 2 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 4 2 डिग्री, 3 वाले कितने हैं, 1, एक ही है, 4 डिग्री कितना है, एक ही है, ठीक ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक।
तो एक बात और आती बेटा कि बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? व्हाट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये पूछ सकता है। व्हाट इज 2 डिग्री हाइड्रोजन, व्हाट इज 3 डिग्री, 4 डिग्री नहीं होता, कैसे अभी एग्जांपल में आप देख लोगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है समझिएगा बेटा बात। जैसे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन में, 1 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी तरीके से 2 डिग्री हाइड्रोजन में जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, क्लियर है। इसी तरीके से 3 डिग्री में जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे 3 डिग्री कहलाएंगे, और 4 डिग्री कार्बन में आपको पता ही है कि चारों तरफ कार्बन ही जुड़ा होता है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन, 1, 2, 3, तो 1 डिग्री में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्लियर है बात ना। 1 डिग्री में, अब यहां से हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो नंबर अगर इसमें पूछा है तो एक में कितना है, एक में 3 है, समझिएगा बात। 1 डिग्री में, 1 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन 3 है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें पूरे में, 5, ठीक। तो 5 × 3 कर दीजिए तो कितना हो गया, 18 हाइड्रोजन है 1 डिग्री के पूरे। चाहे तो आप जोड़ सकते हो, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 इसके, क्लियर है बात ना, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। 5। इसी तरीके से 2 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और संख्या नंबर ऑफ पूछता है, तो 4 हमारे पास से 2 डिग्री कार्बन, 4 × 2 कर लेते हैं, 4 × 2 कर लें तो 8 हमारे पास निकल के आएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, 8 निकल के आएंगे 2 डिग्री। इसी तरीके से 3 डिग्री पूछता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 3 डिग्री में देखिए 3 डिग्री कहाँ गया, ये ना, तो 1, 2, 3 और इधर हाइड्रोजन कितने का, हाइड्रोजन एक ही, तो 3 डिग्री हाइड्रो 3 डिग्री कार्बन में एक हाइड्रोजन, और 3 डिग्री है भी हमारे पास कितना, एक ही है, तो 1 × 1 यानी 1, क्लियर है बात। फिर से बता देता हूँ कि 1 डिग्री हाइड्रोजन में, सॉरी 1 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वही उसके 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। 1 डिग्री कार्बन में जितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वही उसके 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। 2 डिग्री में इसी तरह, इसी तरह 3 डिग्री में, 4 डिग्री में होता नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन में चारों तरफ हाइड्रोजन, सॉरी चारों तरफ कार्बन अटैच होता है, क्लियर है। आप एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग और घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर और समझ सकते हैं। ये हम लोग जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ये मदद हेल्पफुल करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से और भी हमारी बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ आती रहेगी, उसमें आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू बच्चों।